छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के डबरा विकासखंड के ग्राम पंचायत विनोदा के आश्रित ग्राम सालेह में लगातार 20 वर्षों से शरद पूर्णिमा के दिन रामायण और मेले का आयोजन किया जाता है। यह अश्विन मास की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। शास्त्रों के अनुसार इस रात्रि में चंद्रमा अपनी पूर्ण किरणों से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है, जिसे वनस्पतियों और औषधियों का पोषण कहा जाता है। उसमें प्राणदायिनी संजीवनी शक्ति का संचार होता है। वस्तुतः शरद ऋतु में पृथ्वी पर चंद्रमा का सबसे अधिक स्नेहपूर्ण प्रभाव रहता है, जिससे शरद पूर्णिमा इसका सीधा संबंध श्री कृष्ण भगवान शंकर एवं महालक्ष्मी से रहता है। इसलिए इसे चराचर के स्वामी परम ब्रह्म परमात्मा से सीधा सानिध्य स्थापित करने हेतु जीवात्मा के लिए यह रात्रि भागवत व्रत की रात्रि बन जाती। लोगों में मान्यता है कि अपने घर के आंगन में खीर बनाकर ऊपर रखने से अमृत वर्षा होती है। उसी कारण सभी अपने घरों में आंगन में खीर का प्रसाद बनाकर आंगन में रखते हैं और सुबह उठकर नहाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को जागरण कर शरद पूर्णिमा के दिन कृष्ण के साथ गोपियों की रासलीला देखने के लिए भगवान शंकर ने महिला का रूप धारण कर पृथ्वी पर आकर उन्होंने भी रासलीला का आनंद उठाया था। यहाँ के प्रसाद की यह मान्यता कि लगातार रात भर के मेले का आनंद लेते हैं। सुबह 5 से 6 बजे करीब खीर प्रसाद का वितरण किया जाता है। जो व्यक्ति दमा श्वास अस्थमा बीमारी से ग्रस्त होता है, वह लगातार 3 वर्षों से मेले में आकर रात भर जागरण मेले का आनंद लेकर सुबह प्रसाद को ग्रहण कर लेता है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शरद पूर्णिमा का आयोजन आज 20 साल से अनवरत हो रहा है। ये हमारा 21वां साल है। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे ग्राम सालहे में जो खीर वितरण किया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि आज के दिन अमृत वर्षा होता है। इस कारण हम खीर को छत के ऊपर रख कर उसको आम जनता को सभी को वितरण करते हैं, और मान्यता है कि लगातार 3 साल से सेवन करने से जो श्वास और दमा वाले ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इस कारण यहाँ बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और बहुत भीड़ रहता है, और सुबह 4 बजे वो लोग सभी अपना प्रसाद ग्रहण करके सुबह 6 बजे 7 बजे तक घर चले जाते हैं। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए लाला उपाध्याय की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा।